अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइक्यूरिस की। ट्राइक्यूरिस का पता होना चाहिए कि इट इज़ आल्सो नोन एज अ विप वर्म, और ये विप वर्म इन्फेक्शन कराते हैं ट्राइक्यूरियसिस। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरस का पूरा नाम है। इसकी भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये भी इसका भी जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन्स में वो इस तरह होता है, जब आप जो इसके एग्स को होते हैं उनको आप इंजेस्ट कर लें। अब ये एग्स दे आर प्रेजेंट इन साइड दोज फूड एंड वाटर विच आर कंटेमिनेटेड विद ह्यूमन पीसेज। जब इनको इंजेस्ट कर लेते हैं तो हमको ये वाली डिजीज़ मिलती है। होता क्या, जिस तरह एंट्रोबिस में हो रहा था कि ये एग्स के होंगे, दे विल हैच इन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्वा डिफरेंशिएट करेगा, लेकिन लार्वा याद रखना है लार्वा विल डिफरेंशिएट इनटू इमैच्योर एडल्ट्स। होगा क्या, फिर ये जो इमैच्योर एडल्ट्स होंगे ये माइग्रेट करेंगे कोलोन में, वहाँ पे जाके पहले मैच्योर होंगे, फिर वो मेट करेंगे, और फिर वो थाउजेंड्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स को प्रोड्यूस करेंगे रोज, और दीज एग्स विल बी पास्ड इन द फीसिस डेली। अब होगा क्या, जब ये पास हो रही होगी फीसिस में, तो जो एग्स होंगे वो फिर जब निकलेंगी वो फीसिस के थ्रू जब निकल जाएंगी तो वो वार्म मॉइस्ट सॉइल एनवायरनमेंट में चली जाएंगी, और वहाँ पे दे विल फॉर्म एम्ब्रियोस, और फिर जब हम इन एम्ब्रियोनेटेड एग्स को दोबारा इंजेस्ट कर लेंगे तो इस तरह जो पूरी एक लाइफ साइकिल है जो कि इस तरह उन्होंने दिखाई हुई, वो लाइफ साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। इवन दो उन्होंने यहाँ पे एंट्रोबिस की दिखाई हुई, लेकिन अगर हम यहाँ पे उसकी ट्राइक्यूरिस की पढ़ना चाहें तो ऐसी ही है कि हमने एग्स को इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करने के बाद लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच हुआ, इमेच्योर था, इमेच्योर से अच्छा, ये अगेन मैं बता रहा हूँ, ये मैं ट्राइक्यूरियस की एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रहा हूँ, ये जो असल में इन्होंने दिखाई हुई है एंट्रोबिस की दिखाई हुई, लेकिन हुआ ये कि आपने जब एग्स को इंजेस्ट कर लिया, लार्वा इमेच्योर से मेच्योर हो गया कोलोन में जाके, वहाँ पे फिर उसने मीटिंग की, फिर जो फीमेल है उसने फर्टिलाइज एग्स को पास फीसिस में पास किया। अब जब इन्वायरमेंट में एग्स चले गए तो होगा क्या, यहाँ इन्वायरमेंट में ये होगा कि इन्वायरमेंट में जो एग्स होंगे वो इम्ब्रियोनेटेड बन जाएंगे, एंड जब हम दोबारा इन इम्ब्रियोनेटेड एग्स को इंजेस्ट करेंगे तो इस तरह ये एक लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। पैथोजेनेसिस इसकी क्या, पैथोजेनेसिस की यह रखने के ट्राइक्यूरिस इन्होंने ये दिखाया है, ये विप वर्म है, विप को उर्दू में कोड़ा कहते हैं, तो ये बिल्कुल कोड़े की तरह लग रहा है ये वाला विप वर्म है। तो इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि ये करता क्या है कि इट बरोस देयर हेयर लाइक एंटीरियर एंड्स इनटू द इंटेस्टाइनल मिकोजा, के जो इसका हेयर लाइक एंटीरियर एंड है उसको वो इंटेस्टाइनल मिकोजा के अंदर एडजस्ट करता है बरो करता है। दे कैन कॉज डायरिया, लेकिन मोस्ट इन्फेक्शन के एसिम्टोमेटिक होते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी वर्म इन्फेस्टेशन हो गई ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरिया की, देन उन पेशेंट में स्पेशली चिल्ड्रन में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है, यहाँ पे हमको मिलता है रेक्टल प्रोलैप्स। वहाँ पे हमको मिल रहा था एंट्रोबियस, हमको मिल रहा था पेरी एनल प्रोराइटिस, यहाँ पे हमें मिल रहा है रेक्टल प्रोलैप्स, एंड दिस रेक्टल प्रोलैप्स ऑकर ड्यू टू इंक्रीज पेरिस्टेसिस विच ऑकर्स इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वर्म्स। और यहाँ पे भी जो व्हाइटिश वर्म्स होंगे वो हमको प्रोलैप्स म्यूकोजा में नजर आएंगे। लैब डायग्नोसिस किस तरह याद रखनी है कि इसकी एक ही लैब डायग्नोसिस है कि जो इसकी टिपिकल एक्स की शेप होगी, इट वुड बी बैरल शेप या दे वुड बी लेमन शेप। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाई हुई, ये है ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरिया के एक्स, इसको फिगर को याद कर लेना क्योंकि इसका ऑस्पी में भी सवाल आ सकता है कि दीज आर योर लेमन शेप या बैरल शेप एग्स विद प्लग एट ईच एंड। ये हमको स्टूल्स में मिलते हैं, एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या, ट्रीटमेंट इसकी एल्बेंडाजोल है, और प्रिवेंशन इसकी यही कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फीसिस की जाए टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन ऐसी हो रही थी बाई इंजेस्टिंग दैट फूड एंड वाटर विच इज कंटेमिनेटेड बाई ह्यूमन फीसिस एंड अगेन कंटेमिनेटेड बाई द एग्स ऑफ वर्म्स। सो दैट वाज इट, आई होप इसकी समझ में आ गए हो, एंड थैंक यू।